नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शाजापुर में जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने इस दौरान कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है, एक और कांग्रेस पार्टी और दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी, एक तरफ गांधी जी दूसरी ओर गोडसे। राहुल ने कहा कि एक तरफ नफरत और हिंसा तो दूसरी ओर मोहब्बत। मध्य प्रदेश के इंदौर में हत्या का बेहद ही खौफनाक मामला प्रकाश में आया है। यहां अज्ञात लोगों ने एक युवक की बड़ी ही बेरहमी से हत्या की। हत्यारों ने युवक की हत्या के लिए पहले उसका गला रेता, फिर आंखें फोड़ी और जब इतने में भी जी नहीं भरा तो पहचान मिटाने के लिए उसके सिर को पत्थरों से भी कुचल डाला। रीवा जिले के सिमरिया में स्कूल बस की चपेट में आने से 3 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। घटना के बाद बस का चालक बस को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। इधर शुक्रवार की देर शाम हुई इस घटना के बाद शनिवार की सुबह आक्रोशित परिजन सहित ग्रामीणों ने बच्ची का शव सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। रीवा के शहरी क्षेत्र में राहगीरों को हथियार दिखाकर डरा धमका रहे 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से रिवॉल्वर और जिंदा कारतूस सहित धारदार हथियार बरामद किया है। बताया गया कि आरोपी लूट के इरादे से हथियार लेकर निकले थे और हथियार दिखाकर लोगों से लूटपाट करने की फिराक में थे। गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध पुलिस ने आर्म्स एक्ट का अपराध दर्ज कर न्यायालय में पेश किया है। सीधी जिले में एक निजी स्कूल में संचालक द्वारा 40 छात्रों का सिर मुंडन करा दिया गया है, जिसकी शिकायत छात्रों ने प्रशासनिक अमले से किया है, तो वहीं छात्रों ने वीडियो जारी किया है। इस पूरे मामले की शिकायत मड़वास थाना में नहीं की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए 3 सदस्य टीम गठित कर जांच के निर्देश दिए हैं। रीवा के मऊगंज निवासी महिला का मोबाइल लेकर आरोपी ने बड़ी सफाई से सिम निकाल ली और उसे अपने मोबाइल में डालकर फोन पे के माध्यम से खाते से लाखों रुपए निकाल लिए। पीड़िता को तो इस बात की भनक तक नहीं लग पाई। जब उसे पता चला तो वह शिकायत लेकर थाने पहुंची। पुलिस ने अब दस्तावेजों के आधार पर जांच शुरू कर दी है। भारतीय वायुसेना ने 91वें स्थापना दिवस पर शनिवार को भोपाल में शौर्य दिखाया। राजधानी के बड़ा तालाब स्थित बोट क्लब पर यह किसी वाटर बॉडी के ऊपर देश का सबसे बड़ा एयर शो था। इसमें गजराज फॉर्मेशन में रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट IL-78 ने 2M-2000 यानी मिराज 2000 विमानों में हवा में फ्यूल भरा। 2 चिनूक हेलीकॉप्टर्स ने बड़े तालाब पर पानी से कुछ फीट ही ऊपर पोजीशन होल्ड की। इसी पोजीशन में हेलीकॉप्टर ने राउंड लिए। तेजस ने भी टॉप स्पीड में हवा में गोते लगाए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में घटित हुई 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ रेप की घटना ने प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। उज्जैन निवासी आरोपी भरत सोनी के पिता अपने पुत्र के गलत कामों से बेहद दुखी हैं और उन्होंने अपना पक्ष सार्वजनिक करते हुए कहा कि पुत्र ने जिस तरह का कृत्य किया है उससे पुलिस उसे गिरफ्तार करने की बजाय अच्छा होता कि गोली मार देती। रीवा का संजय गांधी अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इस बार बच्ची का इलाज करने के लिए खजुराहो से रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंची महिला के साथ अस्पताल में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने न केवल बदसलूकी की है बल्कि हाथ मरोड़कर मारपीट भी की है। अस्पताल प्रबंधन ने मामले की जांच करने का आश्वासन दिया है। मध्य प्रदेश के गुना में एक प्राइवेट स्कूल में बच्चियों ने हिजाब पहनकर परफॉर्म किया तो विद्यार्थी परिषद ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल कुछ बच्चों ने हिजाब पहनकर डांस परफॉर्म किया था। जब यह बात पता चली तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्कूल में घुसकर धरना प्रदर्शन कर दिया। स्कूल परिसर में वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज़।